तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसू लाइफस्टाइल में। तो आज है 30 मार्च, जो हमारे प्यारे राजस्थान का स्थापना दिवस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज मेहरानगढ़ किले को घुमा जाए, जो जोधपुर की शान है, और आपको भी दिखाया जाए। तो मैं अपनी बाइक उठाकर निकल जाता हूँ मेहरानगढ़ की ओर। रास्ते में अप्रतिम दृश्यों का लुप्त लेते हुए मैं निकल जाता हूँ मेहरानगढ़ की ओर। मैं बता दूंगी कि जो मेहरानगढ़ किला, इसकी नींव डाली गई थी राव जोधाजी से 1469 के अंदर डाली थी। यह 410 फीट की ऊंचाई पर जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है, और यह दृश्य देखने के बाद में अप्रतिम आनंद आता है। हमने वहाँ जाकर इतना अच्छा दृश्य देखा, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमने किले की बाहरी ओर जो दृश्य था ना यार, वो बहुत ही बताने लायक था। बाहर इतने काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, हमने अंदर जाकर देखा जो राजस्थानी संस्कृति की एक झलक दिखाई पड़ी, जिसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं। हमने वो दृश्य देखा तो हमारा किले के अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि यार वो दृश्य देखने में इतना आनंदमय था। वहाँ लोग इतने इकट्ठे हो रखे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, जो हमने देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो डांस हमने काफ़ी देर तक देखा, और फिर हमने किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दिया एक बड़ा सा दरवाज़ा, जो राजा महाराजा के टाइम का था, बना हुआ। काफ़ी आनंदमय था यार, उसे देखने के बाद में अच्छा फील आता। हमने वहाँ एक थोड़ी चढ़ाई की, हमने वो चढ़ाई कम्प्लीट की तो देखा रास्ते में 3-4 लोग थे, वो राजस्थानी संस्कृति को फॉलो कर रहे थे। वो जैसे आने जाने वाले हैं उनके लिए दिन जा रहे थे, जो होता है उनका बताने का। और फिर हमने देखा एक छोटा सा बगीचा, जहाँ राजा महाराजा थे वहाँ घुमा करते थे। फिर बाद में आने के बाद में तोप देखी हमने, जो युद्ध के टाइम में काफ़ी काम आती थी। और यह जो नीचे जो तालाब है, इसके अंदर वर्षा के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। बताया जाता है कि राजा महाराजा के जो काल में ना, यहाँ पे पानी वानी इससे ही प्रयोग होता था जो सारा था। फिर हमने जो होता है राजा महाराजा का सभागृह है, उसके अंदर जाते हैं। देखा हमने जो राजाओं थे उनके साफे और पगड़ियाँ रखी थी, जो भी देखने में जो उनकी ओरिजिनल है वो रखी हुई है, कोई कॉपी नहीं है। फिर हमने आगे किले के ऊपर वो थोड़ा एकदम फ्लोर था उसके ऊपर प्रवेश किया, और बाहर देखा तो ब्लू सिटी का इतना शानदार दृश्य था, जिसे लोग दीवारों के पास में आकर देख रहे थे। तो देखने में इतना काफ़ी अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने अंदर गए, अंदर जाकर ये जो कांच में पे गई, माना जाता है कि जो राजा था उसकी चादर है जो उसके बेड पर बिछाई जाती है, इसको कांच के अंदर एकदम सुरक्षित रखा जाता है, रखा गया है। जो पहले थी ना वैसे की वैसी है। फिर हमने ये शीश महल है, इसके अंदर माना जाता है कि एक दीपक जला कर रख दिया जाता है। दीपक जलाने में सारी कांच लगे हुए हैं, जैसे दीपक जलते हैं तो ऐसे जैसे लगता है कि जब मोतियों की बारिश हो रही है। इसको देखने के बाद में हम गए, जो शस्त्र होते थे राजा महाराजा लड़ा करते थे उनको देखा, और पुराने अतरंग शस्त्र थे, जो मैंने देखे नहीं अपनी लाइफ में, वो थे उस पुराने ज़माने की पिस्तल तो नहीं थी, बंदूक थी, जो यार काफ़ी अट्रैक्टिव थी दिखने में। उनसे ही राजा महाराजाओं ने काफ़ी युद्ध लड़े, जिनसे विजय भी पाई होगी, विजय पाई भी पाई होगी क्या। और फिर जाने के बाद में ये देखा, ये स्थान है राजा महाराजा मनोरंजन हुआ करता था। यहाँ पे राजा महाराजा या चौपड़ ओपड़ खेला करते थे, यहाँ डांस वांस होता था, सारा काम यहाँ होता था राजा महाराजा मनोरंजन से संबंधित जो भी थी। उसके बाद में मैं प्रवेश कर जाता हूँ जो राजा का दरबार होता है, जहाँ राजा की सभा होती थी वो यहीं पर होती थी। राजा आगे बैठ जाया जाता था, तो उसके उसके बगल में बैठ सकते थे। जो कोई भी काम होता था उसका निर्णय यहीं पर होता था, लगे उनके पीछे उनकी रानियाँ बैठती थी। ये वो पालनी है जिनके अंदर राजाओं के बच्चे जो जहाँ पलकर बड़े हुए थे। और यह जोधपुर का बाहर से एकदम शानदार नज़ारा है, जो देखने में यार काफ़ी अट्रैक्टिव है। जोधपुर आओ तो मेहरानगढ़ तो जरूर घूम के जाना। फिर यार हमें थोड़ा लेट हो रहा था, जिसके कारण हमने किले की आधी जगह घूमी नहीं, और हम बाहर की ओर आ गए। बाहर की ओर आने के बाद में जैसे ब्लू सिटी, जिसको नाम दिया गया मेहरानगढ़, वो ज़्यादा घर तो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ब्लू सिटी थी, जिसे सन सिटी भी कहते हैं यार। इसकी एक खास बात हो गई, जैसे जैसे सुबह सुबह सूरज की किरणें होती है इसके ऊपर पड़ती है, तो ये सूरज की तरह चमकता है, और ये इतना प्यारा लगता है ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।